स्वागत है आप सबका AFK मन की एक नई वीडियो में। आज अपन कुछ बहुत तूफानी करने वाले हैं। आज हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मतलब मोदी जी की कार को कंपेयर करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कार के साथ। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीकों से टेस्ट करने वाले हैं। मतलब आज वो दोनों गाड़ियों की हालत खराब होने वाली है। तो चलो यार पता लगाते हैं हमारी मोदी जी की गाड़ी ज्यादा बेटर है या फिर हमारे पड़ोसियों के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियां आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ब्लैक वाली है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और भाई ये चमचमाती हुई मर्सिडीज है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। अब इनमें से बेटर कौन सी है आओ पता लगाते हैं। डाउनहिल मैडनेस अपन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कार के साथ। लेट्स गो। ये आई पहली जंप और भाई अंदर बैठे पैसेंजरों का हाल तो बहुत ज्यादा बेहाल है। मां कसम भाई उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। ओ शिट भाई एक्चुअली पता है इस वाली गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है यार। ये देखो इस गाड़ी का इंजन डैमेज हो चुका है आप लोग देख सकते हो भाई, बट अभी भी गाड़ी सरवाइव कर रही है जो कि सरप्राइजिंग है मेरे लिए। ओ शिट भाई मुझे नहीं लगता दादा आगे जा पाएगी ये क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है यार। ये देखो बट अभी भी सीधी चल रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो। अब ये थोड़ी ऊंची वाली जंप आने वाली है। अब देखते हैं अंदर के पैसेंजरों का हाल तो भाई बहुत ज्यादा बेहाल है यार। वो लिटरली भाई जमीन पे आ चुके हैं फ्लोर पे आ चुके हैं वो सारे के सारे। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा बाहर चल क्या रहा है। ये देखो भाई इस ड्राइवर की तो पक्का गर्दन टूटने वाली है कसम से। जो पीछे बंदे बैठे आप लोग उनका हाल भी देखो वो सीट के ऊपर लेटे हुए। ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है गाइस। गाड़ी का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। अब गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। इंजन इसका बंद हो चुका है। मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं बट अब गाड़ी चालू नहीं होगी क्योंकि इसका ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। तो भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कार का सफर यहीं तक था। एक बार अंदर से देख लेते हैं भाई ऐसा कुछ हाल है। और ये मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बेचारा जमीन पे गिर चुका है भाई इसको बहुत चोट आई है। मैं जाता हूँ इसको हॉस्पिटल लेके नहीं तो इसकी माँ बहुत मारेगी मुझे। अब देख लेते हैं हमारी मोदी जी की गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। लेट्स गो। आ चुकी है अपनी पहली जंप और भाई अंदर बैठे पैसेंजरों का हाल देखो एक बार तुम लोग। भाई ऐसा लग रहा है उन लोगों को मिक्सी में डाल के पीस दिया हमने इतना ज्यादा अंदर उथल पुथल हो रहा है भाई। देखो सरप्राइजिंगली ये वाली गाड़ी थोड़ी ज्यादा हल्की लग रही है मुझे बट डैमेज तो ये भी बहुत हो रही है भाई। डिक्की खुल चुकी है गाइस अगर आप में से किसी को सामान रखना है तो पता नहीं क्यों इस गाड़ी की डिक्की खुल चुकी है। ओ भाई कसम से अंदर बैठे पैसेंजरों के बारे में सोच सोच के मेरे को डर लग रहा है यार। देखो आप लोग कसम भाई वो सारे जमीन पे अभी देखो एक भी बंदा अपनी सीट पे नहीं बैठा है भाई। दोनों गाड़ियों का हाल सेम हो रहा है एक्चुअली बट देखते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा आगे निकल पाएगी। ओ भाई इसका इंजन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है बट अभी भी चल रही है गाड़ी। लेट्स गो। देखो जब तक चलेगी हम चलाएंगे। इसका ऑयल का लेवल बहुत ज्यादा लो हो चुका है और एक और जंप और भाई ये गाड़ी लिटरली पूरी खुलना स्टार्ट हो गई है। सामने से तो पूरी जा चुकी है यार। ओ शिट भाई ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है गाइस और अब ये गाड़ी यहां से आगे नहीं जा पाएगी। मां कसम इतना क्लोज आके वो यहां से मुझे दिख रही है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कार का सफर यहीं पे होता है खत्म। एक बार अंदर के हालात देख लेते हैं भाई। जो पीछे बंदा बैठा था वो सामने आ चुका है और गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। वैसे आप लोगों को पता है मुझे ना इन सारे टेस्ट में जंप टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है भाई। मुझे बहुत पसंद है ऐसे गाड़ी को खुदा और ऐसे लाके फोड़ दूं। तो चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं अपन अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के साथ। यहाँ पे अपन थोड़ा सा स्लो रखेंगे गाड़ी को और 1 2 3 फुल एक्सीलेटर मैंने दे दिया हूँ। देखते हैं भाई कितना आगे ये गाड़ी जा पाती है इस वाले टेस्ट में। भाई स्पीड बहुत बढ़ने वाली गाड़ी की तो अपनी अपनी सांसों को थाम के बैठो। लेट्स गो भाई 200 मीटर आराम से क्रॉस 300 मीटर क्रॉस और गाड़ी लैंड हुई है 330 मीटर पे। लेट्स गो भाई और अंदर बैठे पैसेंजरों का हाल तो पूछना ही मत भाई। वो तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा इंजर्ड होने वाले। देखो मरने तो नहीं वाले बट इंजर्ड बहुत ज्यादा होने वाले। ट्राई करता हूँ ब्रेक लेने की। गाड़ी कितना पहले रुकती है ये भी चेक कर लेते हैं। पानी में जाने से पहले तो गाड़ी रुक गई बट हालत गाड़ी की बहुत ज्यादा खराब है। इंजन वगैरह अभी भी काम कर रहा है। नाइस भाई एक्चुअली इस गाड़ी का इंजन अभी भी काम कर रहा है। बाकी सारी चीजें खराब हो चुकी है बट यार इंजन काम कर रहा है उसके लिए तो ताली बजानी पड़ेगी भाई। चलो गाइस अब निकालते हैं अपनी मोदी जी की गाड़ी। वैसे इस गाड़ी की आवाज मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है आप लोग खुद सुनो यार है ना उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती इसकी आवाज बट ठीक है यार आवाज से हमें क्या करना हमें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी से मतलब है। तो 1 2 एंड लेट्स गो। देते हैं फुल एक्सेलरेटर। ओ भाई व्हील स्पिन ओहो टू मच पावर और अंदर बैठे पैसेंजर कैसे हिल रहे हैं देख रहे हो तुम लोग। अरे भाई उनका अलग रोलर कोस्टर चल रहा है भाई। लेट्स गो देखते हैं कितना आगे जाती है।
200 मीटर क्रॉस, 300 मीटर पूरा क्रॉस, 400 मीटर, 500 मीटर पे ऑलमोस्ट ये आके गिरी है वन साइडेडली। इस वाले चैलेंज को हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कार जीत चुकी है गाइज। लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है, गाड़ी इतना ज्यादा आगे आके गिरी, मुझे लगा था मे भी उसके पहले गिरेगी, बट भाई इस गाड़ी ने तो तबाही मचा दी यार कसम से। एक बार अंदर से देख लेते हैं भाई, गाड़ी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अंदर बैठे पैसेंजरों का हाल हम नहीं पूछेंगे क्योंकि आई गेस वो गाड़ी से बाहर गिर चुके हैं। एक बंदा तो मुझे दिख रहा है बट हाँ बाकी सारे तो। ये वाला राउंड तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कार बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत चुकी है। एक बार ना इस गाड़ी का इंजन चालू करके देखते हैं। ओ भाई इतना डैमेज होने के बाद भी इस गाड़ी का इंजन चालू हो चुका है, बट हाँ गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि टायर वगैरह डैमेज हो चुके हैं, बट इंजन चालू हो गया भाई। भाई किस मिट्टी की बनी है दोनों गाड़ियां। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने ऑफ रोडिंग को। वैसे यार देखो ऑफ रोडिंग तो सिर्फ SUVs कर सकती है जिनके बड़े बड़े टायर होते हैं, जिनमें 4x4 होता है, बट देखते यार क्या ऐसी गाड़ियां ऑफ रोडिंग कर सकती है। देखो मेरा मानना यह है कि कभी मान लो अपने प्राइम मिनिस्टर को ऐसी किसी जगह से भागना पड़ जाए तो क्या ये गाड़ी उतनी केपेबल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एकदम सेफली वहां से निकाल पाएगी। चलो आज वही चीज पता लगाते हैं, लेट्स गो। देखो इसका बम्पर बहुत दिक्कत दे रहा है यार, पूरा बम्पर टूट चुका है और वो ना फंस रहा है सामने वाले टायरों में, बट किस्मत से इसका इंजन वगैरह बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ जो कि बहुत अच्छी बात है यार। ओ भाई कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है भाई, ये देखो कैसा पैर बाहर आ गया अपने पैसेंजर का। ओके इग्नोर करते हैं उस बात को, लेट्स गो। गाड़ी का इंजन वर्किंग है तो अपन गाड़ी को चलाते हैं, छोटे मोटे और जंप आए जिसको ये गाड़ी बहुत आराम से निकल जाएगी, उतनी कोई दिक्कत नहीं आई है। लेट्स गो ड्रिफ्ट करके देखता हूँ भाई, मस्त ड्रिफ्ट हो रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक नंबर गाड़ी है ये कसम से यार। ओके छोटे मोटे गड्ढे आए हैं रोड में, सस्पेंशन बहुत अच्छे आराम से निकल जाएंगे गड्ढे। एक जंप आ चुकी है बड़ी वाली, देखते हैं। ओ भाई बहुत ऊंची थी ये, और हमारे ड्राइवर साहब की गर्दन ऑलमोस्ट टूटते टूटते बची है अभी, बट लकीली नहीं टूटी है। इंजन इसका डैमेज हो चुका है आप लोग देख सकते हो भाई, अब इस गाड़ी की दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली, क्योंकि इंजन डैमेज होना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे गाड़ी को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है भाई, अब तो इस गाड़ी के लगने वाले मेरे हिसाब से। ओह शिट भाई, तो अगर मैं सही देख रहा हूँ तो इसके इंजन से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब तो भाई गड़बड़ होने वाली है, बट देखते हैं चला के। लेट्स गो, दे दिया हमने एक्सेलरेटर और फुल ऑफ रोड वाला रोड है तो गाड़ी चल पाएगी कि नहीं बहुत मुश्किल है यार ये चीज़। ये गाड़ी सिर्फ रियल व्हील ड्राइव है ना तो और दिक्कत होने वाली भाई, गाड़ी आके फंस चुकी है। मैं ट्राई करता हूँ निकालने की इसको, भाई बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। इसके इंजन से कितना ज्यादा धुआं आ रहा है भाई, इसके एग्जॉस्ट से भी बहुत धुआं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी इसके आगे नहीं जा पाएगी। तो इस गाड़ी का सफर यहीं तक था, अब देखते हैं क्या मोदी जी की गाड़ी इसके आगे जा पाती है। चलो भाई मोदी जी की गाड़ी करते हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग। वो भाई ये तो अभी से टकराना स्टार्ट हो गई, और पता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो गाड़ी थी ना उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा था भाई। ये गाड़ी कितना नीचे देख रहे हो तुम लोग, बिल्कुल धरती से चिपकी हुई है गाड़ी, डाउन टू अर्थ गाड़ी है भाई ये, तो देखते हैं ये कितना आगे जा पाती है। मुझे तो डर ही लग रहा है इस गाड़ी के लिए क्योंकि यार इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, ये देखो बम्पर वगैरह कितना इजीली टूट गया इसका। चलो बट देखते हैं। ओके इंजन इतनी जल्दी कैसे डैमेज हो गया भाई, हेलो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है ये गाड़ी यार, मुझे इस गाड़ी का लिटरली मुश्किल लग रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, कहीं भी भाग रही है ये। ओके आई डोंट थिंक ये गाड़ी थोड़ा भी ऑफ रोड कर सकती है भाई, लाइक सीरियसली बहुत वियर्ड रिस्पॉन्स कर रही है पता है। इंजन डैमेज हो गया है ना तो कुछ भी पावर दे रहा है वो, मैं फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो कम एक्सीलेटर जा रहा है, ये देखो वहाँ कसम भाई इससे ऑफ रोडिंग करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ओके नाइस, देखो जब तक चलेगी हम चलाएंगे। ओके जंप वगैरह आने वाली भाई, मुझे डर लग रहा है इस गाड़ी के लिए यार, ये कुछ भी रिस्पॉन्स कर रही है पता है। ओके नाइस नाइस, वो आ चुकी है बड़ी वाली जंप, मुझे लग रहा है खुल जाएगी वहां। ओ शिट भाई सामने का टायर गया इसका। ओके देखो लकीली अभी तो कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी अभी भी चल रही है, लेट्स गो। वैसे वही जगह आ चुकी है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी फंसी है। ओ ये पैर देखो किसका, ये देखो ये देखो ये देखो भाई किसी का पैर दिख रहा है मुझे।
ओके पता नहीं क्या हो रहा है भाई, लेट्स गो। जंप हमने बहुत बुरी ली थी बट गाड़ी स्टिल चल रही है। क्या ये गाड़ी इसके आगे निकल पाएगी? अगर निकलेगी तो जीत जाएगी। और यस सक्सेसफुली गाड़ी उस गाड़ी के आगे आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो गाइस, फर्स्ट तो ये गाड़ी भी गई है, आगे तो ये भी नहीं बढ़ पा रही है, आप लोग देख सकते हो। बट हाँ, टेक्निकली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कार पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कार के आगे आ चुकी है। बट हाँ भाई, निकल तो ये भी नहीं पाएगी। वाला चैलेंज एकदम छोटे से मार्जिन से अपने मोदी जी की गाड़ी जीत चुकी है। वैसे इस वाले टेस्ट से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसी गाड़ियों को ऑफ रोडिंग पे मत लेके आओ, क्योंकि ये गाड़ियां जो काम नहीं कर पा रही है ना, कुछ गाड़ियां उस काम को बहुत ही इजीली कर लेती है। एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को? एग्जांपल के लिए ये देखो हमारी महिंद्रा थार कितने आराम से उस जगह से निकल जाएगी भाई। ये देखो इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं आई। ये देखो भाई, मतलब यार इससे ये प्रूफ होता है भाई, ऑफ रोडिंग करने सिर्फ एक एसयूवी लेके ही आया करो। देखो भाइयों, ब्रेक टेस्ट तो अपन करते रहते हैं, बट आज अपन जो ब्रेक टेस्ट करेंगे वो करेंगे ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे हमने लगा दिए हैं कांटे। अब जैसे ही गाड़ी इन कांटों के ऊपर से जाएगी, गाड़ी के चारों टायर हो जाएंगे पंचर। और भाई पंचर होने के बाद जो गाड़ी सबसे पहले रुक पाएगी वो होगी हमारे ब्रेक टेस्ट की विनर। स्टार्ट करते हैं हमारे पड़ोसियों के प्राइम मिनिस्टर की कार के साथ। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों गाड़ी की स्पीड हम लोग लिमिट कर देंगे 200 किलोमीटर पे भाई, ताकि बिल्कुल भी अनफेयर ना हो। दोनों गाड़ी सिर्फ 200 की स्पीड तक ही जा पाएगी। लेट्स गो भाई, देखते हैं कौन सी गाड़ी की ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी होती है। वैसे इस गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब ज्यादा बॉबल कर रही है, बट कोई बात नहीं यार। देखो 200 की स्पीड पे गाड़ी आके हो चुकी है लॉक 199 पे, जो कि और ज्यादा अच्छा है। और अब आने वाले हैं हमारे कांटे। और भाई कांटों पे कैसी ब्रेकिंग होती है वो मुझे चेक करना था, क्योंकि यार टायर पंचर होने के बाद ना गाड़ी की ग्रिप बिल्कुल चली जाती है। तो भाई क्या ये गाड़ी रुक भी पाएगी? 1 2 3 टायर हो चुके हैं पंचर, ले लिया है हमने ब्रेक। देखते हैं कितना आगे जाके ये गाड़ी रुकेगी। और भाई मेरे हिसाब से 300 मीटर पे आके रुक जानी चाहिए। यस, जैसा कि मैंने सोचा था, 300 मीटर पे आके हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कार रुक चुकी है। वैसे मानना पड़ेगा यार, ये गाड़ी एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने इतना अच्छी परफॉर्मेंस इस गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो अब बारी है मोदी जी की कार की। देखो ये गाड़ी भी ऑलमोस्ट 200 की स्पीड पे आके रुक जाइए। ओ भाई भाई भाई, टू मच पावर गाइस, ये कंट्रोल नहीं हो रही है मुझसे, मैं कर लूंगा, बट मैं हैवी ड्राइवर हूँ। वैसे यार कुछ भी हो रहा है, गाड़ी दिखती बहुत लग्जरी है, देख रहे हो? मतलब वो वाली गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है और ये दिखती है लग्जरी भाई। मतलब इसके अंदर जो बंदा बैठता है भाई, फुल कम्फर्ट में। अच्छा ऐसा नहीं कम्फर्ट उसमें नहीं, कम्फर्ट उसमें बहुत ज्यादा है, बट लग्जरी तो भाई मर्सिडीज ही होती है ना, स्पोर्टी होती है बीएमडब्ल्यू। अब देखते हैं ब्रेक कैसे है टायर पंचर होने के बाद। लेट्स गो भाई, अब तो मेरे को धक-धक हो रहा है कसम से। 200 की स्पीड में गाड़ी लॉक हो चुकी है, स्पाइक्स अपने आ चुके हैं। 1 2 3 ब्रेकिंग हमने कर दी है स्टार्ट। भाई गाड़ी बहुत ट्राई कर रही है ब्रेक लेने का, बट एक्चुअली गाड़ी पता स्लाइड होती हुई जा रही है। कम ऑन मर्सिडीज कम ऑन, उसके आगे नहीं। और भाई बहुत थोड़े से मार्जिन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कार के थोड़ा सा आगे आ चुकी है। आप लोग देख सकते हो भाई, ये गाड़ी हल्का सा आगे आके रुकी है, इतना क्लोज होगा मैंने सोचा नहीं था भाई। तो टेक्निकली ये वाले राउंड को हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कार जीत चुकी है। भाई मुझे सच में लगा था मर्सिडीज के ब्रेक ज्यादा बेटर होते हैं, बट एक्चुअली एकदम छोटे से मार्जिन से हार गई मर्सिडीज। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दोनों देशों की गाड़ियों के पास दो दो पॉइंट है और ये होने वाला है लास्ट राउंड। और लास्ट राउंड हम लोग करेंगे स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट में जज रहोगे आप लोग, मैं चलाऊंगा फुल फोकस करके गाड़ी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और कौन सी गाड़ी इस वाले चैलेंज को जीती है। चलो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। देखो सिंपल सी बात है यार, आप लोग देखोगे टॉप स्पीड को और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और जो हमारे इस वाले चैलेंज का विनर होगा हम वो डिसाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग डिसाइड करोगे, जो कि मैं फोकस करूंगा गाड़ी को स्पीड से स्पीड चलाने में। लेट्स गो, थोड़ा बहुत मैं देख पा रहा हूं भाई, गाड़ी 200 की स्पीड बहुत आराम से पहुंच चुकी है। यार ऑब्वियसली बीएमडब्ल्यू है, 200 की स्पीड कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए अचीव करना, बट देखते हैं 200 के बाद ये गाड़ी कितनी स्पीड अचीव कर पाती है। और हाँ, मैं आप लोगों से वापस से बोलूंगा, अपनी पूरी नजरें हमेशा स्पीड वाले स्पीडोमीटर पर रखना, ताकि आप लोग कोई भी टॉप स्पीड को मिस ना करो, और मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। देखो जितना थोड़ा बहुत मैं देख पा रहा हूँ, 270 ये गाड़ी पहुंचने वाली है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है भाई, जो कि बहुत भारी गाड़ी है ये। देख रहे हो भाई क्या भाग रही है अपनी बीएमडब्ल्यू यार। बट दिक्कत ये है कि इसका इंजन ओवरहीट होना स्टार्ट हो गया, आप लोग देख सकते हो भाई, और अगर इसका इंजन ओवरहीट हुआ तो ये गाड़ी भागना बंद कर देगी। देखो मैंने अभी तक इसकी टॉप स्पीड देखी है 286 ये गाड़ी गई है, 285 ओके। इंजन में दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है, इंजन फुल ओवरहीट हो चुका है भाई। अब ये गाड़ी इससे ज्यादा नहीं भाग पाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका इंजन ओवरहीट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी को रोक देना सही है। लेट्स गो, हम ब्रेक लेते हैं।
हाय हाय क्या प्यारी दिखती है भाई, BMW प्यार हो जाता है देख के। सो हाँ, इसकी क्या टॉप स्पीड है वो तो मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। और भाई देखो गाड़ी से धुआं हुआ आने लगा है भाई, फुल खराब कर दिया मैंने लगता है इसका इंजन को। अब देखते हैं अपनी मर्सिडीज की टॉप स्पीड। आप लोगों को आपका काम याद है, एकदम नजरे कड़ाए रखना स्पीडोमीटर पे, और मैं चलाता हूँ मर्सिडीज को फुल स्पीड में। लेट्स गो मर्सिडीज। भाई अंदर से ये गाड़ी ज्यादा ही लग्जरी लगती है, आप लोग देख रहे हो भाई फुल वुडन इंटीरियर है इसका यार। मतलब ओए भाई ये तो फुल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो रही है यार, एक्चुअली भाई इसको कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ओके लेट्स गो मर्सिडीज। देखो विनर आप लोगों के हाथ में, आप लोग देखोगे मुझे विनर बताओगे। लेट्स गो भाई, अच्छी खासी पावर है मर्सिडीज में, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने BMW के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बट क्या टॉप स्पीड रही है मुझे आप लोग बताओगे। 300 ये गाड़ी जा चुकी है भाई, मजाक चल रहा है क्या, और अभी भी इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है भाई। मतलब इतनी भारी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी एक हाईवे पे 330 की स्पीड पे भाग रही है भाई। मतलब अगर कोई बंदा इसको खड़े होकर देख लेगा भाई वो तो पैट में मूद देगा कि भाई ये क्या रॉकेट जैसा कुछ तो निकला मेरे बगल से। 332 की स्पीड उसको कंट्रोल करना लिटरली मुश्किल हो रहा है भाई, और हम आई गेस BMW के साइड से निकलने वाले हैं ऑलमोस्ट 300 की स्पीड से। लेट्स गो भाई, ये रही अपनी BMW, छोटी सी मेरे को दिख रही है, बिना टकराए निकलना है उससे। ये खड़ी है भाई अपनी BMW, भाई चीरते हुए निकले हैं स्पीड को हम लिटरली, और अब मैं ले रहा हूँ स्पीड क्योंकि ये गाड़ी टेक्निकली जीत चुकी है मेरे हिसाब से। अमन रुक जा रुक जा रुक जा। ओके रुकने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, बट कोई बात नहीं यार। और अब यहाँ से आप लोगों का काम स्टार्ट होता है, जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी थी। अब आ गया भाई दोनों गाड़ी को टेस्ट करने में, दोनों गाड़ियां एक से बढ़कर एक थी, बट कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी की गाड़ी ने बाजी मार ली। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मैं जा रहा हूँ दाल चावल खाने। वेलकम टू उत्तर प्रदेश में युवा नेता फ्रॉम पतली गली, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स फिल्ड विद बूमर्स एंड छपरीज। हाथ पे हाथ रख के करता हूँ मैं ग्रिप चेक, शर्ट पे कोट शाइन करता मेरा ड्रिप चेक, खींच के फोटो में स्क्वायर काट के कोट में हाथ जोड़ के खड़ा होता नेता वाले पोज में। मैं युवा